बहुत समय पहले की बात है, गोरखपुर गांव में ईश्वरचंद नाम का एक छतरी वाला रहता था। ईश्वरचंद के हाथों में कमाल था। उसकी बनाई छतरियां लोगों को बेहद पसंद थी। वो रंगीन और टिकाऊ होती थी। बारिश और गर्मी के मौसम में ईश्वरचंद का छतरियों का व्यापार अच्छा चलता था, लेकिन सर्दी के मौसम में धंधा बिल्कुल ना के बराबर होता था और ये ईश्वरचंद के लिए चिंता का विषय था। एक दिन ऐसे ही अपने आंगन में ईश्वरचंद सोच में बैठा था, तभी उसकी नजर सामने कुछ दूरी पर खेल रहे दो छोटे बच्चों पर गई। बच्चे एक बड़े बॉल और कुत्ते के साथ खेल रहे थे। बॉल बड़ा ही रंगीन था और कुत्ते के सफेद शरीर पर काले धब्बे थे। वो देखकर ईश्वरचंद की आंखें चमकी। ओ, इस बॉल का रंग कितने सुंदर है और उस कुत्ते के शरीर पे ये नक्शी भी बहुत आकर्षक लग रही है। अगर मैं भी ऐसे रंग बिरंगी और नक्शेदार छाते बनाऊ तो? ऐसा सोच के ईश्वरचंद काम में जुट गया। वो पहले बाजार जाके पॉलिस्टर के कपड़े को खरीदता है, फिर उन पर लगाने के लिए रंग जमा करता है। बाकी का सामान जुटा के अलग डिजाइन की छतरियां बनाना शुरू करता है। जब छतरी बन जाती है तब उसके ऊपर बहुत ही आकर्षक रंग लगाता है और उसे भांप देता है। इस प्रकार ईश्वरचंद अलग अलग नक्शे के सुंदर छाते बनाता है, जैसे रंगीन फूल की छतरी, हवाई जहाज के नक्शे की छतरी, इंद्रधनुष वाली छतरी इत्यादि बहुत सारी अलग अलग डिजाइन की छतरियां बनाता है और उन्हें अपनी हाथगाड़ी पे रख के बेचने लगता है। ईश्वरचंद की नई नई डिजाइन की रंगीन आकर्षक छतरियां लोगों को बेहद पसंद आती है और सर्दी के मौसम में भी उसका व्यापार अच्छा चलता है। उसी गांव में मीनाक्षी नाम की एक औरत भी छतरियों का व्यापार करती थी। ईश्वरचंद के छतरियों की गाड़ी पर लोगों की भीड़ देखकर उसे बड़ी जलन हुई। ये है वो आदमी जिसकी डिजाइन वाली छतरियों की वजह से मेरा व्यापार में नुकसान हो रहा है। लोगों को डिजाइन वाली छतरियां पसंद आ रही है। मुझे कुछ करना होगा और इसे इस घाव से भगाना होगा, नहीं तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। इस प्रकार मीनाक्षी के मन में ईश्वरचंद के प्रति द्वेष और जलन निर्माण हो गया। उसने ईश्वरचंद के व्यापार में मुश्किलें खड़ी करने की ठान ली। मीनाक्षी ने भी नई डिजाइन वाली रंगीन छतरियां बनाने का सामान जुटा लिया और घर पर नई छतरियां बनाना शुरू किया। सर्दी के मौसम में मीनाक्षी को काम में व्यस्त देखकर उसका पति अचरज में पड़ गया और उसके पास आके बोला, क्यों भाग्यवान, तुम तो कहती थी कि सर्दी के मौसम में छतरियां बिकती नहीं, फिर इतनी सारी नई छतरियां क्यों बना रही हो? क्यों इतना कष्ट ले रही हो? हमारे गांव में एक छतरी वाला है जिसकी छतरियां सर्दी के मौसम में भी अच्छी बिक रही है। उसके पास वाली रंग बिरंगी डिजाइन वाली छतरियां लोगों को भा रही है, इसलिए मैं भी उस प्रकार की छतरियां बना रही हूँ। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि लोग तुम्हारी ही छतरियां खरीदेंगे? इसके बारे में भी मैंने सोचा है। आप क्या मुझे मूर्ख समझते हो? चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर मीनाक्षी अपने पति को सब समझाती है और रात होते ही सीधे ईश्वरचंद के घर के यहाँ आती है। ईश्वरचंद अपना छतरियां बनाने का काम पूरा करके अपने परिवार के साथ भोजन करने अलग कमरे में जाता है। ये देख मीनाक्षी छुपके से उसके छतरी बनाने के कमरे के यहाँ आती है, खिड़की के लोहे के झाड़ों को खींच के निकालती है और अपने पति को अंदर भेजती है। उसका पति सारी छतरियां उठाकर मीनाक्षी को दे देता है, फिर दोनों वहां से निकल आते हैं। अगली सुबह जब ईश्वरचंद अपने छतरियां बनाने के कमरे में जाता है, वह एक भी छतरी नहीं रहती। वो चिंतित होकर अपनी पत्नी निशा से उसके बारे में पूछता है। निशा, निशा कहाँ हो? यहाँ हो जल्दी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? निशा, मेरे सारे छाते यहाँ से गायब है, पता नहीं कहाँ गए। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? यहाँ मीनाक्षी अपने पति की मदद से ईश्वरचंद के घर से चुराए सारे छाते अपने घर के पिछवाड़े में छुपा देती है। भाग्यवान, आज तो तुमने उसके छाते छुपाए, लेकिन वो फिर ऐसे ही छाते बना के बेचने आएगा, फिर तुम क्या करोगी? अरे, उसे ऐसे ही छाते बनाने के लिए कम से कम 4 दिन लगेंगे और वो मेरे लिए बहुत है। इन 4 दिनों में मैं मेरे सारे छाते बेच दूंगी। चलिए अब यहाँ से, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी घर आते हैं। कुछ देर बाद मीनाक्षी की छोटी बेटी खेलते खेलते वहाँ आती है और रंग बिरंगी चित्रों वाली छतरियाँ देखकर खुश हो जाती है। वो उसमें से एक छतरी उठा के खेलते खेलते अनजाने में घर के बाहर के एक गली में आती है। तभी अपनी छतरियाँ ढूंढते ढूंढते ईश्वरचंद वहाँ से साइकिल पर गुजरता है। उसका ध्यान मीनाक्षी की बेटी के छाते पर जाता है। वो तुरंत उसे पहचान लेता है। ईश्वरचंद रुक जाता है और मीनाक्षी के बेटी के पास आता है। सुनो बेटा, तुम्हारी छतरी बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदी है तुमने? नहीं नहीं चाचा, मैंने ये छतरी किसी से खरीदी नहीं है। हमारे घर के पिछवाड़े में ऐसी बहुत सारी सुंदर छतरियाँ हैं, मैंने उसी में से एक उठाई है। ओहो, अरे वाह, क्या तुम मुझे वहाँ लेके चलोगी?
ऐसा कहते ही मीनाक्षी की बेटी उसे अपने घर के पिछवाड़े लाती है। वहाँ दो दिन पहले उसके घर से गायब हुई सारी छतरियाँ देखकर ईश्वरचंद चौंक जाता है, क्योंकि वो सारी उसकी बनाई छतरियाँ होती है। और तभी मीनाक्षी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आती है और दूर से ईश्वरचंद को देखकर मन ही मन डर जाती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है। तभी ईश्वरचंद को डर से वापस लौटती हुई मीनाक्षी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि ये काम उसी ने किया है। ईश्वरचंद बड़ा दुखी होता है और सोचता है कि रंग बिरंगी छतरियों के साथ साथ कुछ अलग प्रकार की छतरियां बनानी होगी। ईश्वरचंद घर आता है और बहुत सोचने के बाद वो अलग अलग प्रकार के छाते बनाना शुरू करता है, जैसे छोटे बच्चों को साइकिल चलाते वक्त या धूप में खेलते वक्त उपयोगी छतरी, बारिश में मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए स्पेशल छतरी जिसको गाड़ी पे फिक्स कर सकते हैं, होटल या बीच पर बाहर बैठने वालों को धूप से बचाने वाली छतरी, इस प्रकार की 101 अनोखी छतरियां ईश्वरचंद बनाता है। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। एक दिन छतरियां बेचते वक्त ईश्वरचंद को मीनाक्षी दिखाई देती है। मीनाक्षी शर्म के मारे मुंह मोड़ के वहां से खिसक लेती है। सुनिए बहन जी, ईश्वरचंद के मुंह से बहन शब्द सुन के मीनाक्षी सोचती है कि शायद ये मेरे से गुस्सा नहीं है और वो मुड़ जाती है। ईश्वरचंद उसके पास आता है। आप मुझे बस एक बार बोल देती कि मेरी छतरियों के व्यापार से आपका धंधा नहीं चल रहा तो मैं पास के गांव में जाकर छतरियां बेचता, लेकिन अब आप आपकी रंग बिरंगी चित्रों वाली छतरियां आराम से बेचिए। मैंने अब अलग प्रकार की छतरियां बनाना शुरू किया है, अब आपको मेरे व्यापार से कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे माफ कीजिए भाई साहब, मैंने अगर पहले ही आपसे खुल के बात की होती तो अच्छा होता, लेकिन स्वार्थ की वजह से मैं अंधी हो गई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो इस प्रकार ईश्वरचंद और मीनाक्षी अपने अपने छतरियों का व्यापार चलाते हैं और खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। तो देखा दोस्तों, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम शांति से बैठे और विचार विमर्श करें तो आसानी से हल ढूंढ सकते हैं जिससे सबका फायदा हो।